तो पिछले 2 दिन में जो कुछ बात रही है उसको एक संक्षिप्त रूप में रखते हुए तीसरे दिन की चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। पूरी चर्चा हमारी शुरू हुई थी कि हम जीना कैसे चाहते हैं, हम समाधानित होकर जीना चाहते हैं, समाधान क्या है, तो स्वयं में सही समझ को स्थापित कर पाना, सही समझ के साथ संबंध के भाव को समझकर स्वयं में स्थापित कर पाना, और साथ ही साथ शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के लिए जो सुविधा की आवश्यकता है, उस सुविधा की आवश्यकता को सही समझ के आधार पर उसका ठीक-ठीक निर्धारण कर पाना और आवश्यकता से अधिक सुविधा का उत्पादन या उपलब्धि करना, ये हम चाहते हैं, ये समाधान है। तो समाधान कहा है स्वयं में सही समझ को विकसित करने में। स्वयं में सही समझ को विकसित करने का जो कंटेंट है, उस कंटेंट के बारे में जब हमने चर्चाएं 2 दिन की, तो ये दिखाई दिया कि जितना भी मेरा जीने का फैलाव है, स्वयं से लेकर अस्तित्व तक मैं जीता हूं, तो ये चारों स्तर के संगीत को, चारों स्तर की व्यवस्था को समझना, ये सही समझ है। अब इस सही समझ के साथ में हमारे संस्कारों का डेवलपमेंट होता है, और उस संस्कारों के साथ में हम दूसरे मानव के साथ या शेष प्रकृति के साथ में हमारे जो संबंध है उस संबंध का निर्वाह कर पाते। तो संबंध के प्रति अगर सही समझ विकसित हो जाए तो उसके आउटकम के रूप में वो कैसे दिखता, उसको अगर देखने का थोड़ा सा प्रयास किया, तो संबंध के भाव अगर निरंतरता से मुझ में बनी है तो मैं व्यवस्था में, हार्मोनी में हूँ, सुखी हूं, क्योंकि मैं संबंध पूर्वक जीना चाहता हूं और संबंध के भाव भी मुझ में निरंतरता में बने। अब उस सुख के साथ जो मेरे अंदर सुख है ना, उस सुख के साथ जब मैं दूसरे व्यक्ति के साथ मैं इंट्रैक्शंस करूंगा, संभाषण करूंगा, हमारे संबंध का निर्वाह करूंगा, तो मैं भी सुखी हूँ, उस सुख के साथ सुख का निर्वाह होगा तो दूसरा व्यक्ति भी सुखी हो पाएगा। तो जो उभय सुख के रूप में ना, एक आउटकम के रूप में दिखता है, उसी तरह से आवश्यकता से अधिक सुविधा के होने का जो भाव अगर मेरे परिवार में स्थापित हो जाता है, तो फिर हम अपने में भी समृद्ध बने हुए, जो प्रकृति की समृद्धता है उसमें भी भागीदारी कर पाते, और इसी को कहा जा रहा है मानव चेतना में जीना, जिसके फलस्वरूप अखंड समाज और सार्वभौम मानवीय व्यवस्था का बनना दिखता है। और इसके लिए आवश्यक क्या है, इसके लिए आवश्यक यह है कि जो कोई करंट स्टेट है हमारी, जो जीव चेतना जिसे कहा जा रहा है कि केवल सुविधा ही सब कुछ है, इसी जीव के लिए भी अगर देखा जाए तो सुविधा ही सब कुछ है, जीव को जैसी सुविधा मिल जाती है तो आराम में आ जाता है, अगर उस तरीके से मेरी अपनी मान्यता बन चुकी है तो वहां तो मैं तृप्त नहीं हूं ना, मेरा जीना पूरा नहीं हो पा रहा है, एक अधूरापन लग रहा है। तो जो मैं तृप्त होना चाहता हूँ, पूरे में जीना चाहता हूँ, आनंद के साथ में जीना चाहता हूँ, उसके लिए ये जो स्वयं में परिमार्जन, स्वयं में विकसित होना, और वो जो परिमार्जन है जीव चेतना से मानव चेतना, ये परिमार्जन तो हम चाहते ही, और इस चाहना की पूर्ति के लिए सही समझ, संबंध और सुविधा, ये तीनों के बारे मेरी क्लैरिटी हो जाए। तो जो कुछ कहा जा रहा है ये एक प्रस्ताव विधि है, इसे मानना नहीं है, लेकिन अपने अधिकार पर जांचे और तय करें कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए मैं किस तरीके से जीना चाहता। तो जब हम अपने में जांच परख करके देखते हैं तो अपने सहस्वीकृति के आधार पर हम इस चीज को तय कर पाते हैं कि संबंध पूर्वक जीना मुझे सहस्वीकार्य है। तो अगर संबंध पूर्वक जीना मुझे सहस्वीकार्य है तो फिर उसको जी कर देखना होगा, क्योंकि सारी बात तो मेरी अपनी जीने से जुड़ी हुई हो रही है। तो मैं जब जी कर देखता हूँ और मैं अपने में भी सुखी होकर दूसरे व्यक्ति तक भी मेरे सुख की भाव को पहुंचा पाता हूँ, तो इसका अर्थ है कि ये प्रस्ताव मेरे लिए सही है।
उसी तरह से ये प्रस्ताव मेरे लिए सही है या सही नहीं है, उसको हम जी कर प्रमाणित भी करते हैं, जांच परख करके देख पाएंगे कि अपने में समृद्धि के साथ जो प्रकृति की समृद्धि में भी मैं भागीदारी कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। तो जो मानव की जो मूल चाहना है वो सुख समृद्धि और इसकी निरंतरता है। सुख को जिस तरीके से कल पूरी दिन की चर्चा में परिभाषित करने का प्रयास हुआ कि सुख संगीत में व्यवस्था में होना, मेरी इच्छा विचार आशा में सुख होना, मेरी कल्पनाशीलता में संगीत होना, मेरी कल्पनाशीलता में व्यवस्था होना, यही सुख है। इसको अगर देखा जाए, जब मैं अपने में देखता हूं कि जब भी मेरे कल्पनाशीलता में बिखराव हो आ जाता है, उलझन आ जाती है, ना विरोध का भाव आता है, अव्यवस्था बनी रहती है, तो मैं दुखी रहता हूं। लेकिन जब भी मेरी कल्पनाशीलता संगीत में है, व्यवस्था में है, एक एक इच्छा विचार आशा संबंध के आधार पर सजा हुआ है, तो वो स्थिति है, वो स्थिति में मैं सुखी महसूस करता हूँ, आराम में रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि उस स्थिति की निरंतरता हो। तो जिस स्थिति की निरंतरता मैं चाहता हूँ ना, वो सुख, तो व्यवस्था में होना ये सुख। समृद्धि के बारे में जिस तरीके से डिस्कशंस किया कल, आवश्यकता से अधिक की उपलब्धि या उत्पादन का भाव है ना, इसे हमने समृद्धि कहा। और इन बेसिक जो बातें थी, फंडामेंटल जो बातें थी, इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट थी, उसको समझने के साथ में फिर हमने जो चारों स्तर की व्यवस्था को समझने का शुरुआत कल की थी, और प्रारंभ में हमने मानव को समझने का प्रयास किया। तो ये दिख रहा है कि मैं और शरीर के सह अस्तित्व से मानव है, मैं हूं शरीर है। अब मैं और शरीर ये दोनों अलग अलग इकाइयां हैं। अब ये दोनों अलग अलग इकाई की आवश्यकताएं क्या है, मात्रा में क्या है आवश्यकताएं, वो आवश्यकता कैसी पूरी की पूर्ति होती है, उसकी क्रियाएं क्या है, काल में क्रिया क्या है और निर्वाह प्रक्रिया क्या है ना, ये सारे का हमने बहुत सिस्टमेटिकल अध्ययन करने का अध्ययन हमने किया। तो ये दिखाई दिया कि शरीर की आवश्यकता सुविधा है, जैसे खाना है ना, ये शरीर की आवश्यकता है। अब जो शरीर की आवश्यकता है उसकी मात्रा में भी, क्वांटिटी, उसको क्वांटिफाई भी हम कर सकते या नहीं कर सकते। इसी ये हो सकता है कि क्वांटिटी कम या अधिक, छोटा बच्चा है तो खाने के लिए कम लगेगा, बहुत मेहनत करने वाला शरीर है, जैसी खेती कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, तो खाने के लिए थोड़ी सी मात्रा अधिक लगेगी। अगर वही उम्र का कोई आदमी है लेकिन शारीरिक श्रम कम है, तो खाने की मात्रा, एक जो व्यक्ति है जो शारीरिक श्रम कर मेहनत कर रहा है, श्रम कर रहा है, उसकी तुलना में दूसरा व्यक्ति शारीरिक श्रम मेहनत नहीं करना होता है, नहीं कर पा रहा है, तो दोनों की मात्रा अगर देखी जाए खाने की, तो खाने में कम अधिक मात्रा हो सकती है। लेकिन शरीर की आवश्यकता, अगर आवश्यकता के रूप में देखा जाए, तो शरीर के पोषण के अर्थ में खाना है। उसी तरह से शरीर के संरक्षण के अर्थ में कपड़े हैं, है ना, एक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। उस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हम जोड़ सकते हैं, जैसी घर भी है, जूते हैं, चप्पल है, बरसात में जा रहे तो छाता है ना, ये सारी चीजें शरीर के संरक्षण के लिए है। तो जितनी भी ये सुविधा की आवश्यकता हमें शरीर के पोषण के लिए, संरक्षण के लिए, सदुपयोग के लिए है, उन सारी आवश्यकता को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं क्या, मात्रा के रूप में भी हम गिन के देख सकते हैं या नहीं देख सकते, कि मेरे शरीर में अगर मेरे परिवार में अगर चार सदस्य है, तो चार सदस्य के संरक्षण के लिए कितना बड़ा मकान मेरे लिए आवश्यक है। तो मेरी अपनी सही समझ के आधार पर जब इस बात की क्लैरिटी हो जाती कि सुविधा शरीर की ही आवश्यकता है, तो एक एक सुविधा की हम गिनती भी कर पाते हैं और वो देख भी पाते हैं कि आवश्यकता से अधिक है या नहीं है। और आवश्यकता से अधिक जैसी दिखता है तो समृद्धि का भाव आता है, वरना तब तक क्या बना रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। तो ये होना है ना, ये सुविधा होना, ये जब तक बना रहा है मुझ में, उसका सीधा सीधा अर्थ है कि सुविधा के अभाव को मैं, अभाव है। और जब तक ये अभाव बना है,
तब तक समृद्धि नहीं बन पाती। और अभाव जब तक बना है तब तक हम उसको उत्पादन या उपलब्धि, संचय या संग्रह, है ना, इसमें जोड़कर लगे रहते हैं। आपको एक छोटा सा इसी से लेकर एक एग्जांपल को शेयर करना चाहता हूं। जब ये समृद्धि की चर्चा बच्चों के साथ में हो रही थी क्लास में, और समृद्धि की चर्चा होने के बाद, ये शरीर की आवश्यकता सुविधा है ये होने के बाद में, है ना, उस क्लास में 40 लड़के और लड़कियां दोनों मिला के 40 छात्र थे। तो उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया, और दो ग्रुप में डिवाइड करने के बाद में उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया कि आपने जो समृद्धि के भाव को जो के आधार पर आप प्रोजेक्ट कीजिए, पहले तो समृद्धि के भाव को समझिए। एक हफ्ते का समय दिया, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा था उनका कि उन्होंने उस ग्रुप को, लड़कियों का एक ग्रुप बन गया, एक लड़कों का ग्रुप बन गया, और दोनों ने, लड़के भी और लड़कियां, ये दोनों ने भी ये तय किया कि हम कम से कम हमारे जूते चप्पल और कपड़े इसकी गिनती कर ले। तो सारों ने अपने कपड़ों की गिनती कर ली। अब कपड़ों की गिनती करने के बाद में हर एक ने अपनी संख्या भी लिखी, एक बढ़िया सा एक एक्सेल शीट बनाया, एक संख्या लिखी कि कितने कपड़े हैं, कितने जोड़ी जूते हैं। और फिर उनके ये इंडिविजुअल छात्र के ये ध्यान में आया कि बहुत सारे कपड़े तो मेरे पास ऐसे है जिसको मैं पहनता ही नहीं हूं ना, लेकिन मेरे अपने कबर्ड में है वो अभी भी। उसके बावजूद मैं बार बार जब भी बाजार में जाता हूँ तो मैं कपड़े लेने का हट करता हूँ, जीत करता हूँ, माता पिताजी पैसे दे ही रहे हैं, मैं कपड़े ले ही रहा हूँ, लेकिन उसकी तो आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि मेरे पास जितने कपड़े हैं उसको ही मैं पहनने पा रहा हूँ। तो उनका ये कंक्लूजन निकला बच्चों का कि आवश्यकता से बहुत अधिक कपड़े हैं हमारे पास, आवश्यकता से अधिक हमारे पास में जूते चप्पल भी है। अब उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। तो सदुपयोग के लिए फिर उन्होंने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग काफी करते रहे, वो मीटिंग डेली करते रहे। तो एक दिन की मीटिंग में फिर ये पाया, दूसरे दिन की मीटिंग में उन्होंने ये डिस्कशंस किया कि अभी आवश्यकता से अधिक जो है उसका क्या किया जाए। तो फिर वहां से एक थॉट निकल के आया कि जो जिनके पास नहीं है, आवश्यकता से कम है ना, बहुत सारे लोग हैं जिनके कपड़े, जिनके शरीर को संरक्षित करने के लिए ठीक से कपड़े नहीं है, जूते नहीं है। तो फिर इन बच्चों ने ये सोचा कि हम उनको दें। तो उन्होंने कपड़ों को धोया, जूते चप्पल को पॉलिश किया, कोई थोड़ा सा फटा हुआ था तो उसको सिलवा लिया, एक अच्छी तरह से आयन करवाया, और फिर वो जो जो भी एक जगह थी जहां पर लोगों को पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं थे, जूते चप्पल नहीं थे, उनके पास में दिया। लेकिन उनकी जो शेयरिंग बनी रही थी, वो शेयरिंग में उन्होंने ये कहा, प्रेजेंटेशन जब उन्होंने प्रोजेक्ट का किया तो उन्होंने ये कहा कि ये जो हमने जब शेयर किया दिन के साथ में, तब हमें ये नहीं लग रहा था कि हम डोनेट कर रहे हैं, हमें ये लग रहा था कि इनके साथ में हमारे संबंध है और आवश्यकता से अधिक हमारे पास है, तो ये हमारे संबंधी के साथ में हम संबंध का निर्वाह कर रहे हैं। तो जो शरीर की आवश्यकता अगर देखी जाए, सुविधा जो है, तो एक एक सुविधा को हम गिनती कर पाते हैं, और इसलिए वो मात्रात्मक है, वो भौतिक रासायनिक वस्तु से ही पूरी हो जाती है। सेल्फ की आवश्यकता देखी जाए तो सुख है जो निरंतर चाहिए, है ना, उसकी निरंतर आवश्यकता है, वो गुणात्मक है। अब ये जो खाना खाना है, ठीक, ये शरीर की आवश्यकता है, उसको सेल्फ की आवश्यकता सुख से अगर जोड़ दिया जाए तो खाने से हम सुखी होते हैं या केवल शरीर का पोषण होता है ना, इस बात को एक ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता है। दूसरी इस बात की दूसरा ऑब्जर्वेशन ये होगा कि मैं सुख चाहता हूं, रिस्पेक्ट चाहता हूं, और ये सुख से लेकर, रिस्पेक्ट से लेकर जो कुछ मेरी मान्यता है, उस मान्यता को अगर मैं पूरी करने का प्रयास करता हूं, तो ये हो सकता है कि वो खाने के लिए, है ना, जिस तरीके से अभी शायद भारत जी बात कर रहे थे कि 1,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का, तो ये 1,000 रुपए का हो, चाहे 1,00,000 रुपए का हो, चाहे 10 रुपए का हो, है ना, ये रुपए की बात नहीं। खाना हमें रुपए की आवश्यकता है या सुविधा की आवश्यकता है, उसको अगर देखा जाए तो दिखता है कि सुविधा की आवश्यकता है। जब भी हम ये 1,00,000, 10,000, है ना, इस तरीके से रुपए के साथ में जोड़कर हम खाने को देख रहे, तो उसमें ये स्पष्टता से दिखता है
कि सेल्फ की जो आवश्यकता है उसको हम शरीर की आवश्यकता को पूरी शरीर की आवश्यकता से पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये होगा क्या, है ना? ऐसी होगा क्या? एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, जैसे हम जनरली कहते रहते हैं कि मैंने किसी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बहुत कुछ करने के बावजूद भी वो जो दूसरा व्यक्ति है, वो दूसरा व्यक्ति उसको देख नहीं पा रहा है ना, वो कृतज्ञता का भाव दूसरे व्यक्ति में नहीं बन पा रहा है, तो पता नहीं कहाँ कमी रह पा रही है। वो जो प्रश्न जो हमारा बना रहता है ना कि कहाँ कमी रह पा रही है, दूसरा व्यक्ति क्यों उस बात को देख नहीं पा रहा है, उसको अगर हम एक नेक्स्ट लेवल पर जाकर ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दे, तो ये दिखता है कि ये जो सुख संबंध के भाव, सम्मान की भाव, ये दूसरे व्यक्ति की निरंतर आवश्यकता है। सुविधा है, पैसा है, ये दूसरे व्यक्ति की सामयिक आवश्यकता है। तो हम केवल सामयिक आवश्यकता को पूरी कर रहे हैं, और उसके आधार पर क्या हम ये सोच रहे हैं कि उसकी जो सेल्फ की आवश्यकता भी पूरी हो गई? एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे एक संडे के दिन हमने प्लान कर लिया कि दोस्त के साथ, दोस्त को हमारे घर पे बुलाया और एक अच्छा संडे हम व्यतीत करें, और उसके लिए बहुत सारी तैयारी करते हैं, मार्केट से फल हो, सब्जी हो, सारी चीजें है लाते हैं, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, दो भोजन के बीच में किस तरीके से मजे करनी है, कोई एंटरटेनमेंट, कोई गेम, सारा बढ़िया प्लान कर लिया। दोस्त बिल्कुल समय पे आए, ब्रेकफास्ट भी साथ में किया, डिनर तक जितनी भी बातें हुई थी जिस तरीके से होनी चाहिए थी उसी तरह से हुई, खाना भी बहुत स्वादिष्ट बना, बहुत अच्छा दिन रहा दोस्त का आपके साथ में। और अभी वो दोस्त घर पे जाने के लिए निकल रहे, आप उनको गेट तक भी छोड़ने के लिए आ गए, अपनी गाड़ी को किक लगाते हुए, या गाड़ी कार अगर लाइए तो कार का दरवाजा खोलते हुए वहां पर भी खड़े रह के बातचीत हो रही है, और दोस्त ये कह रहे कि बहुत ही बढ़िया दिन रहा मेरा आज का, ब्रेकफास्ट से लेकर लंच से लेकर डिनर तक हाई टी, क्या स्वादिष्ट खाना बनाती है भाभी जी, है ना? तो बहुत ही बढ़िया दिन रहा। इतनी दोस्त ने भी सारी बात कर ली, अप्रिशिएट कर लिया दिन भर के एफर्ट्स को। उसके बाद में अगर एक इनपुट हमसे निकल जाता है कि हाँ, लास्ट टाइम आपके घर पे भी आमंत्रित किए गए थे, हम आए थे, लेकिन खाना ठीक से नहीं बना था, तो लगता है कि भाभी जी को ठीक से खाना नहीं बनाने आता, जब भी अच्छा खाने खाने का मन करो आ जाइए, अब क्या हुआ ना? एक इतने सेंटेंस को बोलने के लिए कितना समय लगा है? ज्यादा से ज्यादा कुछ सेकंड्स, लेकिन वो कुछ सेकंड के सेंटेंस बोलने से ये जो सेल्फ की सम्मान की आवश्यकता है उसमें ब्रेक हुआ। अब दिन भर में हमने जितना किया कराया है, क्या लगता है वो बना रहेगा या उसपे सब पानी फिर जाएगा? तो कभी कभी जो मुझे प्रश्न होता है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैं तो हमारे तरफ से सारी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अप्रिसिएशन क्यों नहीं हो पा रहा, ये एक दूसरे के साथ में संबंध में निरंतरता क्यों नहीं बन पा रही? तो ये शरीर की आवश्यकता भौतिक रासायनिक है, और भौतिक रासायनिक वस्तु से ही पूरी हो सकती है ये जो सुविधा की आवश्यकता है, लेकिन मैं की आवश्यकता ये गुणात्मक है, ये सही समझ और सही भाव से ही पूरी होगी। तो सुविधा की भी आवश्यकता है और सही समझ और सही भाव की भी आवश्यकता है, ये दोनों भी आवश्यकताएं हैं, लेकिन मैं की आवश्यकताएं निरंतर है। उसी तरह से फिर हमने एक्टिविटीज को भी देखा, तो ये दिखाई दिया कि मैं की जो क्रियाएं है, जिसे इच्छा विचार आशा है, और ये तीनों को मिलाकर हम कल्पनाशीलता कहें, तो ये कल्पनाशीलता मुझ में निरंतर चल रही है। अभी किस में चल रही है? मेरी कल्पनाशीलता मुझ में चल रही है, आपकी कल्पनाशीलता आप में चल रही है, और हम सभी में ये जो कल्पनाशीलता निरंतर चल रही है। मेरे कल्पनाशीलता में जो कुछ चलते रहता है वो मेरा आधार है बाहरी दुनिया को देखने का, बाहरी दुनिया के साथ में इंटरेक्शंस करने का। तो जैसे मैं अभी एक एक शब्द जो आपसे कह रहा हूं, है ना, ये तो मेरे कल्पनाशीलता में चल रहा है, इसी के वजह से मैं कह पा रहा हूं। अगर ये मेरे कल्पनाशीलता में नहीं होता
तो मैं ये शब्दों को प्रस्तुत ही नहीं कर पाता। हम जितनी भी शेयरिंग करते हैं, दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, वो सारा कहाँ से आ रहा है? मेरी अपनी कल्पनाशीलता से। और कल्पनाशीलता में जो कुछ चलता है उसका बहुत छोटा सा परसेंटेज हम शरीर के द्वारा कम्युनिकेट करते हुए व्यवहार में लाते हैं। देखिए, इतनी निरंतर इच्छा विचार आशा चल रही है, अगर वो निरंतर इच्छा विचार आशा को हमें प्रदर्शित भी करना है तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शरीर से ही प्रदर्शित होगा और शरीर की क्रियाएं लिमिटेड है, लेकिन सेल्फ की जो क्रिया है वो कंटिन्यूअस है। तो जो कंटिन्यूअस क्रिया है उसको लिमिटेड एक्टिविटी वाले इंस्ट्रूमेंट से हम प्रदर्शित भी नहीं कर पाते। तो इतना सब कुछ हम में चलते रहता है। अब मुझ में जो कुछ चल रहा है उसका आधार क्या रहे, मैं अपने आधार पर तय करूं मेरे में इच्छा कौन सी होनी चाहिए, विचार कौन सी होनी चाहिए, आशा कौन सी होनी चाहिए, या उसे दूसरा कोई तय करे मेरे लिए और मैं उसको माने। तो दूसरे ने अगर कोई तय कर लिया है और मैंने उसको अपने में जांच परख करके किए बिना, है ना, जांच परख किए बिना अगर मैंने उसको मान लिया है तो ये भी एक सोर्स हो जाता है मेरे कल्पनाशीलता का, और इसी को कहा जाता है मान्यता, है ना। जैसी बहुत सारी मान्यता है, हम छात्रों में अगर देखा जाए, बच्चों में अगर देखा जाए, तो एक मान्यता बनी रहती कि मुझे क्लास में पहले ही नंबर से पास होना है, नंबर वन आना है। ठीक, अब इस मान्यता को भी अगर ठीक से देखा जाए, जैसे हम अगर अपने में ये क्वेश्चन पूछे कि मैं क्लास में नंबर वन आना चाहता हूं या क्लास में जितना भी पढ़ाया गया है उसको मैं समझना चाहता हूं, तो दिखता है कि मैं तो क्लास में जितना भी पढ़ाया गया है उसको मैं समझना चाहता हूं, लेकिन जैसे बचपन में स्कूल में जाना शुरू कर दिया था तो पेरेंट्स ने कहना शुरू कर दिया कि बेटा खूब पढ़ाई करो, क्लास में नंबर वन आना है, फिर हर कोई वही कहने लग गया क्लास में नंबर वन आना है, और मैंने उसको मान लिया। दूसरी बहुत सारी मान्यता इस तरीके से भी हो सकती कि मुझे दुनिया का धनी आदमी बनना है, ठीक, और बार बार ये कहा जाता है, मैंने भी कहीं से उसको सुना, मैंने उसको मान लिया तो मेरे इच्छा विचार आशा में वही चलने लगता, वही अगर चलने लग गया तो मेरा प्रयास वही बने रहता। लेकिन अभी अगर हम अपने में ऑब्जर्व करके पूछे कि मुझे दुनिया का धनी आदमी बनना है या परिवार में समृद्धिपूर्वक जीना है, तो दिखता है कि मैं तो समृद्धिपूर्वक जीना चाहता हूं, लेकिन ये दुनिया का धनी आदमी बनना है ये तो कहीं ना कहीं से आया इनपुट और मैंने उसको मान लिया है, वो मेरी मान्यता बनी, उसके आधार पर मैं कार्यक्रम कर रहा हूं। ठीक, तो जैसे सुविधा से ही, संग्रह से ही मैं सुखी हो जाता हूं, तो इस तरीके से भी कोई मान्यता है। अब उस तरीके से मान्यता अगर हमारे इच्छा विचार आशा में आई तो क्या होगा, मेरे प्रयास पूरे बने रहेंगे सुविधा के संग्रह के लिए, लेकिन जब मैं अपने में अध्ययन करके देख रहा हूं तो दिख रहा है कि मैं हूं, शरीर हूं, शरीर है, शरीर की आवश्यकता जो पोषण संरक्षण और सदुपयोग की है उसकी पूर्ति के हेतु सुविधा। इस तरीके से जितनी भी मान्यता है हमारी, उस मान्यता को हम अपने सहज स्वीकृति के आधार पर वेरीफाई करके देख सकते हैं। उसी तरह से शरीर से आने वाली जो इनपुट है, वो जो संवेदना के रूप में मेरे इच्छा विचार आशा में बन रही है और वो भी मेरा एक प्रयास बना रहता है, उसको भी अगर मैं अपने ही सहज स्वीकृति के आधार पर जांच करूं तो स्वयं में समझ को विकसित कर पाता सहज स्वीकृति के आधार पर। वो जो स्वयं में समझ का पूरा होना होता है जब हर एक इच्छा, हर एक विचार, हर एक आशा सहज स्वीकृति के आधार पर सच जाए, तो समझ के आधार पर अपने में व्यवस्थित होना, संगीतमय होना, अपने कल्पनाशीलता में संगीतमय होना, यही है निरंतर सुख की स्थिति, है ना। इसी को हम कह रहे हैं कि आनंद की स्थिति। जब ये आनंद की स्थिति मुझ में निरंतर बनी रहे तो बाहर दूसरे व्यक्ति के साथ में या शेष प्रकृति के साथ में इसी स्थिति के साथ में इंट्रैक्शन करता हूं तो मैं भी सुख में होकर दूसरों के सुख और प्रकृति के समृद्धि में अपनी भागीदारी को कर पाता। इतनी बातें हमारी कल तक के डिस्कशन से हुई थी। तो मेरी योग्यता
और मेरा चाहना, ये दो अलग अलग बात है। योग्यता की बात की तो इस क्षण में मेरी अपने कल्पनाशीलता के जो कंटेंट है उस कंटेंट के आधार पर मैं जीता हूं, तो इस क्षण की मेरी योग्यता क्या है, जो मेरे अभी इच्छाएं चल रही है, विचार चल रही है, आशा चल रही है, वो इस क्षण की मेरी अपनी योग्यता है। लेकिन मेरी चाहना अगर देखी जाए तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि मेरी अपनी इस क्षण की योग्यता और मेरी अपनी चाहना, इसमें एक गैप है। अभी हो सकता है कि विरोध का भाव भी मुझ में चल रहा है, लेकिन मैं संबंध पूर्वक जीना चाहता हूं ना, तो वो जो एक अंतर विरोध हो रहा है, वो अंतर विरोध के कारण ही हम अपने में दुखी रहते हैं। लेकिन जब सुख की बात की, जो हम होना चाहते हैं, तो वो ये है कि मेरी अपनी योग्यता और मेरी अपनी चाहना ये एक जैसी हो जाए। इसका अर्थ मेरी अपनी कल्पनाशीलता संगीतमय व्यवस्थित होना, यही सही समझ के पूर्ण होने का एक प्रमाण के रूप में हम देख रहे हैं। इसके साथ जो शरीर और मय के बीच में किस तरीके से आदान प्रदान होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसको जब देखे तो ये दिख रहा है कि शरीर से कुछ संवेदना आती है, जैसी भूख की संवेदना आ रही है। अब ये जो संवेदना है चैतन्य तक जाती है, चैतन्य उस संवेदना को पढ़ता है। खाना खाना है या नहीं खाना है, ये सबसे पहली डिसीजन वहां से शुरू हो जाती है ना। हमेशा शरीर से भूख लगी, भूख की संवेदना आने से हम खाना खाते ही है ऐसा भी नहीं होते हुए दिखता। कभी कभी अगर उपवास कर लिए है तो दिन भर खाना नहीं खाते, 9 दिन खाना नहीं खाते, 1 महीना खाना नहीं खाते। तो पहली तो डिसीजन वो है कि शरीर से जो आने वाली संवेदना है उसको ध्यान देना नहीं देना। अगर वो खाना खाना है ये निर्णय लिया, तो फिर कब खाना है ना, वो भी निर्णय, कैसे खाना है, खड़े रहकर खाना है, बैठकर खाना है, ये सारी जो निर्णय है ना, ये सारे निर्णय चैतन्य में लेकर वो निर्देश जो है वो जड़ को दिए जा रहे हैं। तो चैतन्य और जड़ के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है सूचना का, उसको अगर देखा जाए तो जड़ से संवेदना और चैतन्य से निर्देश। शरीर में स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का अर्थ यह है कि मैं अभी इस कार्यशाला में भागीदारी करना चाहता हूं और मेरा शरीर भी उसके लिए तैयार है। मैं बात कर पा रहा हूं, मैं सुन कर पा रहा हूं, मैं बैठ पा रहा हूं, तो स्वास्थ्य है। तो मैं के अनुसार शरीर काम करे। दूसरी बात यह है कि शरीर के सभी अंग प्रत्यंग के बीच में एक व्यवस्था हो। तो शरीर के जो ट्रिलियन सेल्स है, सेलर मांसपेशिया है, अलग अलग अंग है, प्रत्यंग है, सिस्टम्स है, ये एक अपनी व्यवस्था में है। तो इसका ये स्वास्थ्य, तो ये जो शरीर का स्वास्थ्य, उसको इंश्योर करने की, सुनिश्चित करने की जो जिम्मेदारी है, उसे संयम कहा जा रहा है। और उस संयम की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सुविधा की आवश्यकता है। तो शरीर के पोषण, शरीर के संरक्षण, शरीर के सदुपयोग की जिम्मेदारी के निर्वाह के लिए सुविधा की आवश्यकता, इसको अगर हमने देखा तो दिखता है कि सुविधा सीमित मात्रा में है। तो जो सीमित मात्रा में जो सुविधा है उसका सही समझ के आधार पर निर्धारण और आवश्यकता से अधिक की उपलब्धि या उत्पादन सही हुनर के साथ, इसी को कहा जा रहा है समृद्धि। तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के लिए संयम का जो कार्यक्रम है, उसके लिए आहार विहार है ना, जो जीवन शैली, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसी के साथ श्रम और मेहनत, आहार विहार श्रम और मेहनत, ये अगर हमारा ठीक से बना रहा तो शरीर की जो व्यवस्था है, उस शरीर की व्यवस्था को हम एक इंश्योर कर पाते हैं। इसके साथ ही अगर कोई अस्थाई रूप से शरीर में व्यवस्था में कोई गड़बड़ हुई, तो उसको, उस व्यवस्था को वापस लाने के लिए औषधि है। और औषधि का मतलब होता है कि जो जिस जो भी डिफिशियंसी बॉडी में कम है, उस डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए। और औषधि से भी अगर वो व्यवस्था नहीं आ पा रही है, तो फिर कोई दवाई है, कोई मशीन पर निर्भरता है, जैसी सर्जरी है, उपचार है, शल्य चिकित्सा है। तो शरीर के स्वास्थ्य को इंश्योर करने के लिए
मेरा जो कार्यक्रम है ये औषधि और उपचार के आधारित बना रहे, या आहार विहार, श्रम व्यायाम, आसन प्राणायाम, योग, इसके आधार पर बना रहे। तो इतनी हमारी कल के डिस्कशंस में चर्चा बनी रही थी। इस कल के डिस्कशन से लेकर अगर कोई भी किसी का इमीडिएट क्वेश्चंस है तो एक दो क्वेश्चंस को या एक दो शेयरिंग को लेते हैं, और फिर आज हम परिवार में संबंध है ना, परिवार की व्यवस्था, संबंध की चर्चा आज से हम शुरू कर देते हैं। बताइए, तो यहां तक बातें ठीक रही है? कल तक का जितना भी डिस्कशंस रहा, कल के चर्चा से लेकर अगर कोई प्रश्न है। ठीक, तो बताइए, परिवार व्यवस्था की चर्चा शुरू करें। जी, अनीता जी का हैंड रेज है, बताइए दीदी। नमस्ते, अभी बात हो रही थी कि जैसे दीप्ति जी ने भी शुरू में प्रश्न रखा था और आपने ये कहा था कि जैसे हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने के लिए अगर हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो क्या हम शौक के लिए खाना खा रहे हैं, या हम मान्यता के आधार पर जा रहे हैं? इस तरह के आइटम मेरे मन में एक प्रश्न आया है कि मेरी समझ कहती है कि मुझे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना है, मुझे रेस्टोरेंट का खाना पसंद भी नहीं है। पर मुश्किल कई बार ये होती है कि परिवार में जैसे बच्चों को खाना है और बच्चे मेरे साथ बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं, जैसे कि मुझे 7 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है मम्मी आपके साथ लंच पे चलेंगे आप, और मैं कह रही हूँ कि मुझे ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं जाता है कि जहाँ नॉनवेज है, वो कह रहे हैं ठीक है हम ऐसे रेस्टोरेंट में चलते हैं जहाँ पर बिल्कुल पूर्णतः शाकाहारी है वेज, और फिर मैं उनका मन रखने के लिए रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रही हूँ, पर मेरी समझ तब भी ये कह रही है कि मुझे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना चाहिए, ये क्या है? जी, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, प्रश्न ये नहीं है कि घर में खाना या रेस्टोरेंट का खाना है ना, प्रश्न ये है कि ये जो खाना है ये शरीर की आवश्यकता है या मैं की आवश्यकता। इसको अगर हम ठीक से देख पाए कि खाना तो शरीर की आवश्यकता है, तो फिर ये जो मैं की आवश्यकता है ना, सुख सम्मान, उसको हम जोड़ते नहीं है उससे। तो भले हम घर पे खाना खाए या रेस्टोरेंट में खाना खाए, वो क्लैरिटी तो यही बनी रहती है कि शरीर के पोषण करने के अर्थ में खाना है। उस क्लैरिटी के साथ में अगर हम जी रहे हैं तो वो जो कन्फ्यूजन है ना, वो कन्फ्यूजन नहीं होता। अदरवाइज क्या हो जाता है कि शरीर की जो आवश्यकता है वो जो खाना, उसके पूर्ति के लिए हम सेल्फ की आवश्यकता को भी जोड़ देते हैं बीच में। कभी छोटा सा एग्जांपल देता हूं ना, जैसे हम कई खाना भी खाने रेस्टोरेंट में खाने चले जाते हैं, हम एक एक एग्जांपल के रूप में देता हूँ, उदाहरण के रूप में, जनरली इस तरीके से जो पोस्ट वगैरह देखते हैं तो कई एक फेसबुक पे एक पोस्ट दिखती है कि फैमिली के साथ में मैंने ये रेस्टोरेंट में खाना खाया, और वो रेस्टोरेंट्स के बारे में बहुत सारी बातें। तो मुख्य मुद्दा यह है कि परिवार के साथ संबंध पूर्वक मैं शरीर का पोषण किया। तो चर्चा अगर उससे लेकर रही तो इसका मतलब है कि हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि सेल्फ की आवश्यकता क्या है, शरीर की आवश्यकता क्या है, दोनों अलग अलग है और दोनों को भी पूरी कर रहे हैं। लेकिन अगर चर्चा उस बात से बनी रही कि वो खाना कैसे था, खाने का स्वादिष्ट कैसा, वो रेस्टोरेंट कैसा है, वो अगर चर्चा बनी रही तो इसका अर्थ यह है कि हम कहीं ना कहीं सेल्फ की जो आवश्यकता है उसको हम शरीर की आवश्यकता को पूरी करने से है ना, पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर, जैसी खाना भी आवश्यक है और सम्मान भी आवश्यक है, ये बात अगर हम देख पाए तो दोनों भी आवश्यकता पूरी करते हैं, लेकिन दोनों को मिक्स करके पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती है,
है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और उसको भी हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो फिर दिखता है कि शरीर की आवश्यकता भौतिक रासायनिक वस्तु से ही पूरी होती है। तो भूख लगी है तो खाना ही आवश्यक है, लेकिन सेल्फ की आवश्यकता है वो सही समझ और सही भाव से ही पूरी हो सकती है। खाना खाने से मैं सुखी नहीं होता, खाना खाने से मुझे सम्मान नहीं मिलता। तो ये दोनों भी आवश्यकता को अलग अलग हम देखकर दोनों की भी पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है दीदी, हाँ जी ठीक है, मैं भी इस पर और मनन करूंगी। आपने जो कहा वो समझ में आ रहा है मुझे, मैं अपना इस पर और चिंतन बनाऊंगी। ओके थैंक यू। ठीक है दीदी हेलो। जी। हाँ सर, मैं इस पर कुछ बात रखना चाह रहा था कि कल संजय सर ने एक उदाहरण दिया था कि महाभारत युद्ध के समय जो के पूर्व श्री कृष्ण जब दूत बनकर गए थे कौरव परिवार में, तो उन्होंने वहां पर जो भोजन है वो राज परिवार में दुर्योधन के घर करने की बजाय उनके काका के यहाँ भोजन स्वीकार किया था। तो यहाँ भोजन जो है वो श्री कृष्ण के लिए शरीर की आवश्यकता था, लेकिन उसको उन्होंने जब सम्मान के साथ में जोड़ करके देखा तो भोजन जो है राज परिवार में न करके वो विदुर जी के यहाँ किया था। तो वो वहां मैं या सेल्फ की आवश्यकता थी, वो उनका जो सेल्फ जो सम्मान है वो बरकरार रहा, सम्मान बढ़ा। मैं क्लियर हूं क्या? जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेल्फ की आवश्यकता अलग है, शरीर की आवश्यकता अलग है, और ये दोनों की पूर्ति अलग अलग तरीकों से होगी ना, एक साथ नहीं हो सकती है। आप शायद ये कहना चाह रहे हैं, है ना, कि जी शरीर के लिए भी खाना आवश्यक है, सेल्फ के लिए भी सम्मान आवश्यक है, लेकिन खाने से सम्मान नहीं होता। शरीर के लिए कपड़े नहीं, आवश्यक है। लेकिन दोनों को यहाँ मैं सर ये स्पष्ट समझना चाह रहा हूँ कि दोनों को एक साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो जो श्री कृष्ण वाला उदाहरण है उसी उदाहरण से मैं थोड़ा सा समझ पाऊंगा कि वो जब भोजन विदुर जी के यहाँ करते हैं तो उनका मैं क्या आवश्यकता भी पूरी होती है। हाँ देखिए, दोनों को, दोनों तो एक साथ ही चलेगा, और दोनों भी हम चाहते हैं। जब भूख लगी है उस समय, जिस समय शरीर की भी आवश्यकता है और सेल्फ की भी आवश्यकता है, ये दोनों भी आवश्यकता जब बनी है ना, तो दोनों भी आवश्यकता एक ही समय में पूरी हो रही है। खाना भी खाना है और उस समय सम्मान का भी भाव आवश्यक है, लेकिन खाने से सम्मान मिलता है या केवल सम्मान पूर्वक बात करने से खाना मिल जाएगा, तो ये नहीं दिखता है ना। मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहूं कि आप मेरे घर पे आए 3 दिन, मैंने बहुत सम्मान पूर्वक स्नेह पूर्वक आपसे केवल बातें करते रहूं, खाना न दो, तो वो भी नहीं चलता है ना। खाना मैं खूब खिलाऊं, अच्छी तरह से बनाकर खिलाऊं, स्वादिष्ट खिलाऊं, लेकिन बार बार अपमान करूं, तो वो भी नहीं चलता। जी तो सम्मान की भी आवश्यकता है, खाने की भी आवश्यकता है, लेकिन ये जो खाने की आवश्यकता है ये शरीर की आवश्यकता है, सम्मान की आवश्यकता है ये सेल्फ की आवश्यकता है, और सेल्फ की जितनी भी आवश्यकता है वो समझ और भाव से पूरी होती, शरीर की जितनी भी आवश्यकता है वो भौतिक रासायनिक वस्तु से पूरी होगी, जी जी मतलब है ना। एक संपन्न व्यक्ति है, खूब सारा पैसा है जिसके पास, और वो इस समझ के साथ में भोजन रेस्टोरेंट में भी कर रहा है भोजन, और इस समझ के साथ कर रहा है कि यह सिर्फ उसके शरीर की आवश्यकता है। तो मतलब ये उसकी समझ स्पष्ट है, समृद्धि है उसकी। हाँ बिल्कुल, देखिए हम क्वांटिटी के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे। देखिए जी कोई कोई ये हो सकता है ना कि कोई बहुत हाई मीन्स क्वालिटी की बात नहीं कर रहे, कोई हो सकता है कि हाई क्वालिटी के कपड़े पहन रहे हैं, कोई हो सकता है जी कि सादा कपड़ा पहन रहा है, कोई हो सकता है कि बहुत बड़े मीन्स महल में रह रहा है, कोई हो सकता है कि छोटे मकान में रह रहा है ना। तो वो क्वांटिटी क्वालिटी जो है वो क्वालिटी भी अगर डिफर कर रही है, मैं भले ही भले एक मेरा एक महल है ना, लेकिन उस बात की अगर मुझ में स्पष्टता है कि जो महल है ये केवल शरीर को संरक्षित ही कर रहा है, महल में रहने से सम्मान या सम्मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है,
उसको अगर देखा जाए, या छोटे मकान में रहने से सम्मान मिलता है या नहीं मिलता है उसको अगर देखा जाए, तो दिखता है कि ये जो भौतिक रासायनिक वस्तु से बना हुआ महल जो है वो शरीर के संरक्षण करने हेतु ही है। ट्रबल तो तभी आता है जब हम शरीर की आवश्यकता, सुविधा से हम सेल्फ की आवश्यकता को पूरी करने का प्रयास करते हैं। जी तो महल से अगर सम्मान पाने का प्रयास किया तो मिलेगा क्या, है ना? कपड़ों से अगर सम्मान पाने का प्रयास किया तो मिलेगा क्या? तो मुद्दा ये नहीं कि क्वालिटी के, है ना, मुद्दा ये है कि वो क्लैरिटी, कि ये जो सुविधा जो है वो शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के अर्थ में है, और सेल्फ की जो आवश्यकता है वो सही समझ और सही भाव है। तो ये दोनों भी आवश्यकता अलग अलग है, उनका जो फुलफिलमेंट का सोर्स है ये भी अलग अलग है, जी और पूर्ति का सोर्स अगर अलग अलग है तो उनको अलग अलग विधि से ही पूरा करना होगा। ठीक है ना गणेश जी? जी धन्यवाद सर। जी मैं एक प्रश्न करना चाह रहा जी था। हेलो जी सर, सभी को नमस्कार। दो बातें आई थी। एक दिन आचार्य जी ने बोला था कि मेरा सम्मान मैं का सम्मान हो रहा है कि मेरे शरीर का सम्मान हो रहा है। दूसरा, मैं गांधी को पढ़ रहा हूं तो गांधी के मैं को पढ़ रहा हूं कि गांधी के शरीर को पढ़ रहा हूं, प्लीज। बहुत बढ़िया। इनफैक्ट ये जो प्रश्न है ना आपने जो पूछा, उस प्रश्न को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये प्रश्न मय में आया था या शरीर में आया था, तो दिखता है कि ये मय में प्रश्न था। हम उसको शरीर से एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखिए, मैं एक सभा गृह में माइक है सामने, और माइक पे खड़े रहकर मैं संबोधित कर रहा हूँ सभा को। ठीक, तो मैं संबोधित कर रहा हूं, है ना, मैं जो मेरे कल्पनाशीलता में जो बात होगी वो माइक जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट से कम्युनिकेट होगी सभा में। तो माइक कुछ नहीं कह रहा है, ये तो कहने वाला मैं हूं। उस तो उसी तरह से अगर देखा जाए तो हम अगर किसी भी लेखक ने लिखी हुई जो किताब अगर पढ़ रहे हैं तो उस लेखक को पढ़ रहे हम, है ना, और वो जो किताब उन्होंने जो लिखी है वो उन्होंने अपनी समझ को प्रस्तुत किया है, तो हम उनकी समझ को पढ़ रहे हैं, हम उनके मय को पढ़ रहे हैं, है ना। शरीर से उन्होंने वो लिखा है तो शरीर एक माध्यम है। जैसे अभी मेरे कल्पनाशीलता में जो कुछ चल रहा है उसको ये शरीर के माध्यम से मैं आपके साथ में कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो ये जो शरीर जो है इस वक्त तो एक माइक्रोफोन के रूप में है, लेकिन मैं ही अगर बात करना बंद कर दूं तो माइक्रोफोन खुद खुद ब खुद नहीं चलेगा। तो शरीर में केवल पहचानना और निर्वाह करना हो रहा है, लेकिन सेल्फ की जो निर्वाह की बात अगर की, निर्वाह प्रक्रिया की बात की, तो पहचानना निर्वाह करना हो ही रहा है, मानना और जानना, है ना, ये भी सेल्फ में हो रहा है। और ये हायर लेवल की जो रिस्पॉन्सेस है, इस सेल्फ में समझने की क्षमता है, जानने की क्षमता है, मानने की क्षमता है, और जानना और मानना हमारा जो कुछ हुआ है उसके आधार पर शरीर से हम किताब को लिख रहे हैं। शरीर एक माध्यम है। जी, इसका मतलब ये हुआ कि फूल और उसके सुगंध को, भोजन और उसके स्वाद को हम अलग अलग नहीं दे सकते। यहाँ भोजन और फूल जो है शरीर हो सकता है और मैं उसका सुगंध और स्वाद हो सकता है। तो अभी जैसा जितेश जी मैसेज कर रहे थे कि कभी दोनों एक साथ हो सकते हैं, कभी अलग अलग हो सकते हैं, तो क्या इस संबंध में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मानव को अगर हमने देखा तो मानव तो मैं और शरीर के सह अस्तित्व में हूं, है ना, मैं भी हूं शरीर भी हूं, शरीर भी है, दोनों के सह अस्तित्व में मानव है। उनकी इकाई के रूप में अगर देखिए तो इकाई अलग अलग है, आवश्यकता के रूप में देखिए तो वो अलग अलग है, लेकिन मानव जब देखा तो मानव तो दोनों के सह अस्तित्व में है, शरीर भी है मैं भी है। कुछ जी, कम्युनिकेट इसका कर मतलब पाया मैं हूं? प्लीज जी जी बताइए। प्लीज मैं आखिरी लाइन पे आऊंगा कि क्या दोनों हर समय एक साथ ही चिरजीवी भी रहेंगे कि कभी कभी अलग भी हो सकते हैं? जैसे गांधी और उनकी किताब को पढ़ रहा हूं तो मैं गांधी को पढ़ रहा हूं कि किताब को पढ़ रहा हूं, क्या अंतर करेंगे आप? जी देखिए,
अगर देखिए, मैं आपका और मेरा एग्जांपल ले लेता हूं, है ना। आपने अगर कोई किताब पढ़ी, किताब लिखी है, और उस किताब में आपने जो लिखा है उसको मैं अपने में जांच परख करके अगर मैं अपने में समझ रहा हूं और समझ कर वो मेरे जीने का आधार अगर बन रहा है तो मैं आपको पढ़ रहा हूं। लेकिन आपने जो किताब जो लिखी है मैं उसको केवल पढ़ रहा हूं, पढ़ने के साथ मैं उसको अपने में जांच परख नहीं कर पा रहा हूं, वो मेरे अगर जीने में नहीं आ रहा है तो फिर मैं आपकी किताब को पढ़ रहा हूं। तो आपको पढ़ने का अर्थ होगा कि आपको समझना, और आप समझना जो है वो तो मुझे अपने में जांच परख करके होगा। जी जी, कुछ रख पाया बात को मैं, प्लीज प्लीज मैं अंतिम लाइन पर फिर आऊंगा, अंतिम शब्दों पर। क्या हर समय दोनों को एक साथ ही देख सकूंगा मैं, कि कभी मैं अलग भी देख सकता हूं? नहीं, आप फिर से दोहराएंगे क्वेश्चन को। क्या दोनों को हर समय एक साथ ही मैं परिचित हो पाऊंगा या अनुभव कर पाऊंगा या सोच पाऊंगा, या कभी किसी को अलग और किसी को अलग परिचित हो पाऊंगा, समझ पाऊंगा, भोग पाऊंगा, देख पाऊंगा? आप शरीर और मैं से लेकर बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी रूप में देखें, फूल के रूप में, भोजन के रूप में मैंने बात की, फूल और सुगंध, भोजन और स्वाद जी। इसको अगर देखा जाए ना तो हम हर वक्त अलग अलग ही देख पा रहे हैं। जैसे खाना है ना, तो खाना एक शरीर के अर्थ में देखा जाए तो केवल एक शरीर को पोषित करने का ही काम कर रहा है, लेकिन खाने का स्वाद जो है ना, ये स्वाद मुझे जा रहा है, और इसीलिए अगर कोई खाना स्वादिष्ट हो जाता है तो पेट की आवश्यकता पूरी होने के बाद में भी हम दो घास अलग से खाते हैं, है ना, दो दो बाइट जो है, दो निवाले है, एक्स्ट्रा खाते हैं। वो एक्स्ट्रा खाना क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो स्वाद है ना, ये स्वाद एक अलग बात है, वो संवेदना से मुझे जो स्वाद मिल रहा है वो एक अलग बात है। लेकिन शरीर के लिए देखा जाए तो खाना तो केवल पोषण के लिए, तो शरीर जैसी, वो जो शरीर की जितनी कैपेसिटी है उतनी अगर हो जाए तो इंस्ट्रूमेंट इतना बढ़िया है ना, वो तुरंत एक इंडिकेटर देता है, डकार सी आ जाती है, तो डकार आने का मतलब है कि अभी पर्याप्त हुआ है ना, वो एक अलार्म आ गया है, खाना पेट भर गया है। लेकिन स्वाद जो है वो मैं का जो सुखी होने का जो हमारी चाहना है, मूल चाहना है, तो उस मूल चाहना को अगर हम खाने के स्वाद से पूरी करने का प्रयास करेंगे तो फिर ये होता है कि हम एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं। लेकिन बात वही है कि वो खाने से मैं सुखी हो रहा हूं उसको अगर जोड़ के देखा जाए तो दिखता है कि हो भी अगर रहा है तो एक क्षणिक आवेश है, वो एक क्षणिक सुख मिल रहा है, लेकिन मैं सुख कैसे चाहता हूं? निरंतर चाहता हूं। तो ये निरंतर सुख जो है वो मैं की आवश्यकता को पहचान कर पूरी करने से और शरीर की आवश्यकता को पहचान कर पूरी करने से निरंतर सुख मिल सकता है। जी जी, मैं अंतिम लाइन पे आऊंगा फिर से एक बार, प्लीज आप, मैं विषयांतर ना हो पाऊं प्लीज ध्यान बताएंगे मुझे। इसका मतलब है कि मैं की अभिव्यक्ति के लिए शरीर का होना अति आवश्यक है, और मैं यदि इसको आध्यात्म रूप में ले जाऊं, जैसा मैं कभी करता नहीं हूं, हम लोगों की आदत में नहीं है, इसका मतलब है कि आत्मा का स्वरूप, आत्मा का अस्तित्व जो है बिना शरीर के नहीं हो सकता, यदि इसको डिस्कस करना चाहें तो प्लीज। हाँ, ये तो बात अपने मीन्स जो अभी आधी बात को तो बिल्कुल चर्चा कर ही लेते हैं, आधी बात के लिए भी एक हिंट के रूप में भी चर्चा हो सकती है। जैसी जैसी एक जो आधी आधी बात के ऊपर चर्चा, तो ये है कि एक जड़ वस्तु है वो चैतन्य का माध्यम है, ये तो बात बिल्कुल सही है ना, यहाँ तक तो ठीक है। दूसरी बात यह है कि चैतन्य की एक्टिविटीज को अगर देखा जाए तो ये निरंतर है, इच्छा विचार आशा, ठीक। जड़ का नियम अगर देखा तो जड़ में परिवर्तन हो रहा है, फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कागज है, वो कागज अगर आग के ऊपर गिर जाए तो कागज नहीं बना रहेगा, लेकिन वो बना रहेगा, किस स्वरूप में बना रहेगा? एक राख के स्वरूप में बना रहेगा ना, आग के संपर्क में जल जाएगा। तो कागज क्या हो रहा है? आग के संपर्क में रूपांतरित होकर एक राख बन रहा है, राख शायद ऐश है ना, वो बन, उसकी रक्षा बन रही है।
वो एक जड़ संसार का वो एक नियम है, उस नियम के तहत हम जड़ को देख सकते हैं। चैतन्य को अगर देखा जाए तो उसकी जो निरंतर इच्छा विचार आशा है, उसकी जो क्रिया है वो निरंतर चल रही है, उसको अगर देखा जाए तो फिर जो आगे की बात है उस बात को भी हम थोड़ा सा पकड़ पाएंगे। और आने वाली इसके जो आगे की जो वर्कशॉप होती है हायर लेवल की वर्कशॉप, तो उसमें और अधिक तरीके से हम चर्चा भी कर सकते हैं इसके ऊपर। मैं कुछ हिंट दे जी, पाया बहुत बहुत आपको? धन्यवाद समय देने के लिए। बिल्कुल 100% सही है। मैं आखिरी शब्द बोलूंगा, आपने E इक्वल टू एम सी स्क्वायर के लिए सिद्ध कर दिया, मेरा ऐसा मानना है। थैंक यू। और बताइए, और किसी का कोई क्वेश्चन है या चर्चा को आगे बढ़ाए? जी या हैंड तो हेलो, रेज हैं। जी जी मैं लखनलाल साठी जी मोही आ सर, जाता हूं। जो भोजन की बात हो रही थी, एक मान्यता है, आवत ही हर्ष नहीं नैनन नहीं समाए, नैनन नहीं सने तुलसी तहां न जाइए कंचन वर्षु। अब भोजन की आवश्यकता शरीर को है, सम्मान की आवश्यकता मैं को है। एक भिखारी मेरे घर आता है, मैं उसको भगाता हूँ, मना करता हूँ, फिर आता है, फिर मना करने के बावजूद बार बार आता है, और जब मैं भोजन दे देता हूँ तो खा के चला। और एक उधर कृष्ण जी हैं, जो बहुत बड़ा राज प्रसाद छोड़कर दुर्योधन का, और कहने को तो ये कहा जाता है कि नौनी भाजी बिदुर की खाई प्रीत लगाया, मतलब उसमें नमक भी नहीं पड़ा था, जब बिदुरानी ने बनाया तो भूलेंगे नमक लगा। अब दोनों की स्थितियां अलग अलग हैं, कृष्ण की अलग है और भिखारी की अलग। तो मैं इसको सोच रहा था कि प्रायोरिटी क्या है, शरीर की, कहीं जगह शरीर की प्रायोरिटी हो सकती है, कहीं जगह मैं की हो सकती है, दोनों। जी बहुत बढ़िया। देखिए क्या है ना, ये दोनों भी परिस्थिति में ना पूछा जाए, दोनों से भी अगर पूछा जाए कि आपको सम्मान सहस्वीकार्य है या अपमान सहस्वीकार्य है, तो तुरंत हमें जो सहस्वीकार्य है उसके तरफ बात निकल जाएगी। अब एक स्थिति में अगर खाना ये भी शरीर की आवश्यकता है और उस तरीके से कोई एक इमरजेंसी स्थिति बन चुकी है, तो उस स्थिति में आदमी शरीर की जो आवश्यकता है उसको भी पूरी करने का प्रयास करेगा, लेकिन उसके साथ उसको अगर ये भी पूछा जाए ना कि आपको सम्मान चाहिए अपमान चाहिए, है ना, सहस्वीकारी क्या है, तो दिखाई देता है कि सहस्वीकारी तो सम्मान ही है। और सम्मान हम निरंतरता से चाहते हैं, भले ही वो रोटी लेने के लिए 3 बार आ रहा है, उसको वो शरीर की आवश्यकता को पूरी करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसकी जो सेल्फ की आवश्यकता की पूरी करना है ना, वो भी उसमें चाहना बनी रही है, तो वो भी तो सम्मान चाह ही रहा है, लेकिन शरीर की आवश्यकता उसको उस समय ये जो सम्मान के कंपैरिजन में अति आवश्यक हो चुकी है। तो अगर मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है तो वो जो क्षण है तो उस क्षण तो मुझे खाना ही चाहिए, है ना, उस क्षण में अगर सम्मान मिला न मिला तो उसको मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, लेकिन उस स्थिति में भी अगर मैंने अपने आप से पूछा कि मैं सम्मान चाहता हूँ या अपमान चाहता हूँ, और जो जिस तरीके से मुझे खाना मिल रहा है ना, वो मैं चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, तो आंसर निकल के आता है कि नहीं, सम्मान ही चाहिए मुझे और खाना भी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। अनीता दीदी काफी देर से। जी अनीता दीदी, हेलो, मैं सुरभि बोल रही हूँ। कल से आज तक के जो शरीर और मैं के लिए जो भी अंडरस्टैंडिंग बनी है मेरी, उसके अकॉर्डिंगली कुछ मैं उदाहरण रखना चाह रही हूँ और आप लोगों से समझना चाह रही हूँ थोड़ा सा। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर मैं और मेरी माता जी, हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़ाव है हम लोगों में, और अगर वो किसी भी तरह से परेशान है, तो परेशान जब वो है तो मुझे भी पता है कि वो परेशान है और उनकी परेशानी को मुझे कम करना है, तो जनरली हम कोशिश ये होती है हमारी कि हम मैं से मैं को कनेक्ट कर उस परेशानी को कम कर लें। अगर हम ऐसा करते हैं तो कई बार अगर हम फिजिकली उनके सामने अवेलेबल हैं, तो या तो हम उनके गले लगाकर या उनके हाथ पकड़कर
किसी भी तरह से इस तरह के माध्यम से जहाँ पे संवेदना का इंक्लूजन होता है उस चीज को हम भौतिक रूप से मैं से मैं को कनेक्ट करके उसकी संतुष्टि करते हैं। अगर यही चीज अगर मैं दूसरी जगह अवेलेबल हूँ और मैं अगर मेरी माता जी अलग दूसरी जगह अवेलेबल हैं तो हम लोग कई बार कई भौतिक साधनों का भी उपयोग, जैसे कि हमने कहा फोन पे अगर हम कनेक्टेड हैं तो फोन एक हमारा माध्यम हो गया और वही संवेदना वही रहेगी लेकिन वो हमारी सिर्फ बोली भाषा के थ्रू ही जा पाएगी, लेकिन वो भी हमारी वहां से मैं को मैं से कनेक्ट करेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे ये सब साधन हैं जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं जो कि हमारे मैं की पूर्ति में सहायक की तरह काम में आ रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो आपस में कनेक्टेड हैं। एक और छोटा सा अलग दूसरा एग्जांपल जो दिमाग में आ रहा है वो है रिलेटेड टू भौतिक, अगर हम उसके सुविधा के हिसाब से जा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हमारा हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी जो सुविधा है एक भोजन की जो रिक्वायरमेंट है हमारी, वो एक आवश्यक रिक्वायरमेंट है। अगर हम खाना खाना छोड़ दें तो एक समय बाद हमारा भोजन मतलब हमारा जो मैं है वो भी परेशानी में आना चालू हो जाएगा। तो क्या ये कितना सही है, मतलब कहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इस चीज को हमको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे अभी एक अनीता दीदी का जो एग्जाम्पल था उससे मुझे ये लगा कि जब वो बोल रही थी कि उनका जो उनके परिवार के साथ जाना जो है वो मैं की संतुष्टि है और सिर्फ भोजन जो है वो उसमें वो हमारे सुविधाओं में आता है और हमारे वो शरीर की शरीर के लिए वो पूर्ति करता है। तो कुछ इस तरह के अभी ये विचार मेरे मन में चल रहे थे, ये मैंने आपके सामने रखे, इस पे कुछ आप अगर बोलना चाहें तो। जी बहुत बढ़िया, और दोनों भी बातें बहुत अच्छी तरह से लिए दीदी आपने। देखिए ये जो खाने की भी आवश्यकता है और सुख और सम्मान की भी आवश्यकता है, ये दोनों की आवश्यकताएं है बनी हुई है। अब केवल ये देखना है कि दोनों में से निरंतर आवश्यकता कौन सी है, सामायिक कौन सी है। दूसरा ये देखना है कि दोनों भी आवश्यकता है, दोनों भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये दोनों भी महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति कैसी की जा सकती है। तो उससे लेकर जो आपका जो फर्स्ट शेयरिंग था उसको हम कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे फोन पे हम बात कर रहे हैं माता जी के साथ, है ना जी, तो हमारा भाव क्या है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट करता है रादर फोन का मॉडल कौन सा और कंपनी कौन सी है। जी बिल्कुल। तो फोन भले ही एक है ना, अगर उसको पैसे के रूप में सस्ता कहे या पैसे के रूप में महंगा कहे, तो सस्ता फोन होने से सस्ती बात होती या महंगा फोन होने से महंगी बात होती, ऐसा नहीं होता है। मेरे अपने जो भाव है माता जी के साथ में, फिर चाहे वो फोन कैसा भी हो, तो फोन एक माध्यम है मेरे भावों को कम्युनिकेट करने का, लेकिन कम्युनिकेट क्या हो रहे हैं, फोन नहीं कम्युनिकेट हो रहा है, मेरे भाव कम्युनिकेट हो रहे हैं, और वो जो भाव एक मैं से दूसरे मैं तक कम्युनिकेट हो रहा है। उसी तरह से हम जब माता जी का है ना हाथ पकड़ कर कुछ बात करते हैं या गले लगा कर बात करते हैं, तो वो हाथ को छूना या गले लगाना है ना, उससे कुछ नहीं हो रहा है, बात हो रही है कि हमारे भाव कम्युनिकेट हो रहे हैं और उस भाव मैं से कम्युनिकेट होता है। अभी हाथ को ही छूने का ये भी हो सकता है कि विरोध के भाव से भी हम हाथ छुए, है ना, संबंध के भाव से भी हम हाथ छुए, विरोध के भाव से भी हम गले लग जाते हैं कभी कभी, या संबंध के भाव से भी गले लग जाते। तो ये जो अभिव्यक्ति जो है ना, ये अभिव्यक्ति भी महत्वपूर्ण है, हाथ छूना, पैर छूना, गले लगना, लेकिन उस अभिव्यक्ति के साथ में कम्युनिकेट क्या हो रहा है वो अधिक महत्वपूर्ण है, और वो है हमारे भाव। तो जो सही भाव से मैं सुखी होता हूं, सही भाव अगर नहीं बने रहे तो मैं दुखी रहता हूं। तो सही भाव को बनने के लिए ये जो सही समझ का होना आवश्यक है, तो सही समझ और सही भाव ये मैं की आवश्यकता है, वो इसी से ही पूरी होगी। सुविधा जो है वो शरीर की आवश्यकता है, वो सुविधा से ही पूरी होगी, इतनी बात कल तक कही गई थी। ठीक है दीदी, जी जी धन्यवाद, बढ़िया। आदरणीय स्पर्श की भी अपनी एक अभिव्यक्ति है ना, बिना बोले भी स्पर्श भी बहुत कुछ कह देता है। हाँ देखिए वो भी है कि स्पर्श
कह रहा है या जो भाव के साथ स्पर्श है वो भाव कह रहे हैं, कम्युनिकेट क्या हो रहा है ना, कम्युनिकेट स्पर्श हो रहा है या भाव हो रहा है, उसको थोड़ा सा जितना हम ऑब्जर्वेशन कर लिए। जैसे एक एग्जांपल्स के रूप में ही कहता हूं मैं, वो ये है कि एक क्रूड एग्जांपल हो सकता है, बच्चे को तमाचा लगाया, अब क्या हुआ, एक स्पर्श ही हुआ, लेकिन भाव क्या है, विरोध का। दूसरी बात है कि प्यार से बच्चे को वो सहलाया है ना, अभी तो क्या हो रहा है, वही हाथ का गाल से ही स्पर्श हो रहा है, लेकिन इसमें भाव कम्युनिकेट हो रहा है ममता का, वात्सल्य का, संबंध का। तो हम स्पर्श सुखी कर रहे हैं या भाव सुखी कर रहे हैं हमें, है ना, उसको भी थोड़ा सा जितना हम ऑब्जर्व करते रहेंगे तो दिखाई देगा कि ये जो स्पर्श एक मटेरियल का दूसरे मटेरियल से हो रहा है, उसमें तो केवल पहचानना और निर्वाह करना ही हो रहा है, हाथ का गाल के साथ में उतना ही हो रहा है, पहचानना निर्वाह करना। तो मटेरियल मटेरियल के साथ में सुख की अनुभूति होती है या भाव के स्तर पर सुख की अनुभूति होगी। ठीक है सर। सर ये स्पर्श के प्रकार हुए या भाव के प्रकार हो गए? देखिए भाव अगर देखा जाए तो भाव के ऊपर ही अभी हम चर्चा आज से शुरू करने वाले हैं। ठीक, ये जो स्पर्श का जो प्रकार हुआ ना, ये तो भाव की ही अभिव्यक्ति हुई है। मेरे में अगर संबंध का भाव बच्चे के प्रति बना है तो उसको सहला रहा हूं मैं, लेकिन मैं अगर मेरे में अगर विरोध का भाव बना हुआ है तो उसको चाटा लगा रहा हूं। तो मुझ में जो चल रहा है ना, वो मैं शरीर के माध्यम से एक्सप्रेस करता हूं। तो मुझ में अगर व्यवस्था है तो व्यवस्था एक्सप्रेस होगी, मुझ में अव्यवस्था है तो अव्यवस्था एक्सप्रेस होगी, लेकिन मैं व्यवस्थित होकर व्यवस्था को एक्सप्रेस करना चाहता हूं, और वो सही समझ और सही भाव से पूरी हो सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मैं अपनी समझ के लिए मैं ही पूछ रहा हूँ ना, मैं स्ट्रक्चर पूछ रहा हूँ ना, इस शरीर पूछ रहा है सर। आप ही देख लीजिए ये प्रश्न कहाँ बन रहे हैं सर। इसमें इतना कल रात भी बेचैनी रही, इतने कई जगह कंफ्यूजन है कि इसके लिए मुझे लगता है पूरा एक सेशन चाहिए। थैंक यू सर। ठीक, बढ़िया। तो आज की चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं। मैं थोड़ा प्रश्न करना चाह रहा था कि कल से मैं इस कोर्स को ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन मैं और शरीर ये समझ में नहीं आ रहा। मैं अपनी बात अपने विद्यालय से रखना चाहूंगा कि मेरे विद्यालय में जैसे बच्चे हैं, बच्चे शिक्षा के प्रति लालायित रहते हैं, ये शासन के पूरे भारत में मध्यान्ह भोजन चलाया जा रहा है, तो मध्यान्ह भोजन अगर नहीं चलाएं तो बच्चे उपस्थित नहीं होते, तो बच्चों का संबंध वहाँ मध्यान्ह भोजन का मैं से संबंध होना चाहिए, क्योंकि वो मध्यान्ह भोजन के कारण ही स्कूल में आते हैं। थोड़ा इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, मैं बड़ा कंफ्यूजन में हूँ। जी बढ़िया सर। देखिए अभी की जो एक परिस्थिति है ना, उसको अगर क्विकली अवलोकन किया जाए तो एक इस तरीके से मान्यता हुई है कि मैं बराबर शरीर, शरीर की आवश्यकता को पूरी करने से सुखी होते है ना, इस तरीके से जो मान्यता बनी है, तो वहां पर प्राथमिकता किसको होगी, फिर भोजन को होगी, कपड़ों को होगी, खाने को होगी, है ना, इस सारी चीज को ही प्राथमिकता दी जाएगी, उसी के लिए सारे प्रयास होते रहेंगे, उसी को हम पाने का प्रयास करेंगे, उसी को हम संग्रहित होने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये प्रयास भी क्यों हो रहा है, हम सुखी होना चाहते हैं। ये क्यों हो रहा है कि खाने की बात हो रही, लेकिन जैसे मैं मेरे अपने परिवार में भी देखता हूं कि बच्चों के लिए भी खाना आवश्यक है ना, तो खाने से भी वो तृप्त होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये जो संबंध का भाव है ना, वो बच्चों के लिए उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब उनका उस बात के तरफ ध्यान जाता है कि संबंध बेसिकली हमें सुख करते हैं, खाना नहीं सुखी दे रहा है, तो फिर वो संबंध की तरफ, संबंध को समझने के लिए, और उससे भी जो बड़ा सुख है सही समझ का, वही अपने में स्थापित होना और उसके सहित में निरंतर सुखी हो पाऊंगा, उस बड़े सुख की तरफ जब ध्यान जाता है, तो फिर ये जो छोटे सुख है, सुविधा से लेकर हो या संवेदना से लेकर हो, उसको शरीर के अर्थ में ही
लगाते हुए शरीर की आवश्यकता को पूरी करते हुए बड़े सुख के लिए हम प्रयासरत हो सके कर सकते हैं ना। एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पड़ोस का ही एग्जांपल है कि जो दीदी है उनकी एक लग रहा है कि साढ़े तीन साल पहले वाली घटना है। दीदी एक ऑफिस में जाया करती थी, शादी के बाद प्रेग्नेंट हुई तो डिलीवरी के लिए उन्होंने 3 महीने की पहली छुट्टी ली और उनको बिटिया हुई और फिर आगे 4-5 महीने वो घर पे रही और उसके बाद में वो ऑफिस जाना शुरू कर दी। तो क्या हुआ कि ये जो बिटिया जो है ना वो रोने लग जाती थी, छोटी सी बिटिया, जैसी ही माँ ऑफिस में जाना शुरू कर दे तो वो बिटिया जैसी थोड़ी बड़ी हो गई, 8-9 महीने की हो गई, तो वो माँ कहती थी उनको कि बेटा रोना नहीं, मैं शाम में आपको चॉकलेट लाऊंगी। अब ठीक है, तो शाम में माँ उसके लिए एक चॉकलेट लाती थी, बिटिया चॉकलेट भी लेती थी, फिर वो माँ के साथ में भी थोड़ी सी खेलती थी। अब क्या हुआ धीरे धीरे कि किसी दिन अगर वो चॉकलेट नहीं लाया ना तो बिटिया बिल्कुल क्रोधित होती थी, रोती थी, माँ के पास में जाती भी नहीं थी। तो माँ कहने लगी कि मैं आपको कल बड़ा चॉकलेट लाऊंगी। अब बड़ा चॉकलेट लाया दूसरे दिन, जैसे ही माँ ऑफिस से घर पे आई बिटिया हाथ में से चॉकलेट को खींच लेती थी, भाग जाती थी। अब वो बड़ा चॉकलेट अगर किसी दिन नहीं लाना फिर बहुत ज्यादा रोना, तो माँ कहने लगी मैं खिलौने लाऊंगी। अब क्या हुआ कि छोटे चॉकलेट से बड़ा चॉकलेट, बड़े चॉकलेट से खिलौना, खिलौना अगर नहीं ला पाए तो दुख। अब वो जो दीदी के साथ में जब डिस्कशन ऐसी ही एक दिन ऐसी चर्चा चल रही थी माया और शरीर की आवश्यकता है, तो दीदी का इस चीज के तरफ ध्यान गया। उन्होंने क्या किया कि बिटिया के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया और नेक्स्ट डे जब ऑफिस में जाने लगी तो बिटिया ने कहने लगी कि आप मेरे लिए आज खिलौना लाने वाली हो, तो माँ ने कहा हाँ मैं खिलौना भी लाऊंगी और आज हम एक दूसरे के साथ में खेलेंगे भी। वो ऑफिस से आई, खिलौना भी लेकर आई थी और बिटिया के साथ में थोड़ा सा खेलने भी लगी। और उसके बाद में उन्होंने बिटिया से पूछा कि बेटा आपको किस में मजा आ रहा है, तो बेटे ने कह दिया ना, छोटे सा बच्चा तुरंत कह देता माँ आपके साथ खेलने में बड़ा मजा आया मुझे। तो फिर वो दीदी ने कहा कि ठीक है अब कल से हम एक काम करते रहेंगे कि ऑफिस से आने के बाद में अगर मेरे पास समय है तो ठीक है, वरना सोने से पहले कुछ समय हम एक दूसरे के साथ में खेलते रहेंगे, मस्ती करेंगे, बातचीत करेंगे। और उन्होंने वो बातें अभ्यास में लाई। तो दीदी ऑफिस में आने के बाद में किचन में भी जब काम करती थी तो बिटिया को किचन में लेती थी, बिटिया के साथ में गपशप करते करते, मस्ती करते करते किचन का भी काम करने लग जाती थी। फिर दीदी ने ये कहा कि वो जो बिटिया मेरी खिलौने के लिए ये जो इंतजार कर रही थी ना, अब वो नहीं कर रही है, वो मेरे आने का इंतजार करती है। अब उसको खिलौना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है, चॉकलेट महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। क्या होता है कि ये जो भाव की अपेक्षा है ना एक मानव को दूसरे मानव से, लेकिन अगर हम कहीं यही मान लिए कि मैं शरीर हूं और सुविधा से ही वो पूरी होगा, तो फिर चॉकलेट खिलौना है ना हम उसकी उसका भी प्रयोग करते हैं। तो शरीर की आवश्यकता को पूरी करना भी यू नो आवश्यक है, मैं की आवश्यकता को पूरी करना भी आवश्यक है। मैं की जो आवश्यकता है वो सही समझ और सही भाव से पूरी होगी, शरीर की आवश्यकता है वो सुविधा से पूरी होगी। जब ये बच्चे ये बात जब छात्रों के भी ध्यान में आ जाएगी तो मध्यान्ह भोजन के लिए भी आएंगे, वो टीचर से जो संबंध का भाव मिल रहा है उसके लिए भी आएंगे और शिक्षा से जो सही समझ विकसित होनी है उसके लिए भी आएंगे। बात तो केवल ये होनी है कि वो अपने में जांच पर करके देख ले कि केवल मध्यान्ह भोजन शरीर की आवश्यकता पूरी करना है या उससे मय की आवश्यकता, ये बड़ी आवश्यकता है, उसको पूरी करने से वो सुखी होते हैं। जैसे ही उनको ये ध्यान में आ जाएगा तो इन तीनों बात के लिए आएंगे वो, मध्यान्ह भोजन, टीचर से मिलने वाले संबंध के भाव और शिक्षा से मिलने वाली सही समझ। मेरा प्रश्न ये नहीं था सर, मेरा ये था कि मेरी नियुक्ति 2000 में हुई सर, तो मैं देख रहा था कि जो मध्यान्ह भोजन शुरू हुआ 2007 में हुआ, तो मैंने जो शिक्षण कराया 2000 से 2007, तो जो बच्चे अभी मिलती हैं सम्मान करते हैं और उनको मेरे से कुछ अपेक्षाएं नहीं रहती, लेकिन 2007 से लेके 2018 तक के जो बच्चे हैं वो किसी भी क्षेत्र में जाए तो उनके अंदर लालचपन आ गया है सर, चाहे जैसे
वो बच्चे अभी कक्षा 11वीं 12वीं में आ गए, तो उनको अगर छात्रवृत्ति नहीं मिलती, वो ही बच्चे जिनको मध्यान्ह भोजन की हमने लत लगाई, शासन ने लत लगाई, और वो आज अगर ये छात्रवृत्ति वन क्लिप पे नहीं आए तो सीएम हेल्पलाइन करती है, और जब हम उन्हीं के बड़े भाई से बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं बेटी गलत किया है तुम्हारे, तो उनकी सोच में इन बच्चों की सोच में अंतर आ रहा है सर, ये बड़ी समस्या हो रही है अभी सर। मैं वही कहने का प्रयास किया ना सर, मैं वही कहने का प्रयास किया कि वो चॉकलेट की तरफ ही बच्चों का ध्यान है ना, पूरे उदाहरण में मैं वही कहने का प्रयास कर रहा था कि चॉकलेट की तरफ ही बच्चों का ध्यान है, मध्यान्ह भोजन की तरफ ही बच्चों का ध्यान जा रहा है, लेकिन जैसे ही बच्चों का ध्यान उस तरफ हम ले पाएंगे कि ये जो मतलब ये सर कि बच्चे मध्यान्ह भोजन की तरफ हो गए, शिक्षा से विमुक्त होते जा रहे हैं सर। इसमें हमने कई बार मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र की मीटिंगों में भी कहा है कि अगर इस तरह मध्यान्ह भोजन चलता गया तो आगामी पीढ़ी स्वार्थी हो जाएगी, शिक्षा के प्रति उनका मोह नहीं रहेगा, और जबकि आज के युग में प्राइवेटों में मध्यान्ह भोजन नहीं है तो वो बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं। थोड़ा ये गलत लगेगा कहने में, लेकिन जहाँ पे मध्यान्ह भोजन को लालच के रूप में देख रहे हैं तो वहां शिक्षा का स्तर भी गिर रहा है सर। देखिए मुद्दा तो मुझे लगता है कि ये उससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो मध्यान्ह भोजन है ना, एक शरीर की आवश्यकता है ना, वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए स्कूलों में ये तो एक मुद्दा है ही, और जहां पर भी जो भी स्थिति परिस्थिति है उसी अनुसार निर्णय भी ले सकते हैं, मध्यान्ह भोजन दिया भी जा सकता है, लेकिन मुद्दा यह है कि मध्यान्ह भोजन की खाने की ये भी आवश्यकता बनी है मानव की, और सही समझ और सही भाव की भी आवश्यकता बनी है। तो क्या हम बच्चों को ये दोनों भी आवश्यकता की हमारी शिक्षा के द्वारा पूर्ति कर पा रहे हैं? देखिए अभी हमारी शिक्षा के कंटेंट को अगर देखा जाए तो हम केवल उनमें स्किल्स को विकसित कर रहे हैं या ये जो वैल्यूज है समझने की जो बात है वो भी विकसित हो रही है? अगर ये दोनों की भी आवश्यकता है, स्किल्स की भी आवश्यकता है, वैल्यूज की भी आवश्यकता है, आज अगर समस्याएं देखी जाए तो क्या लगता है अधिकतर हमारी समस्या स्किल के अभाव से है या मूल्यों के अभाव की वजह से है? तो दिखने को मिलता है कि मूल्य के अभाव की वजह से समस्या अधिक है, लेकिन पूरे हमारे शिक्षा का फोकस अगर देखा जाए, करिकुलम अगर देखे जाए, तो हम केवल स्किल्स को डेवलप करने का, कौशल्य को, हुनर को निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी आवश्यक है, लेकिन उसके साथ मूल्य आधारित शिक्षा यह अगर हो जाए तो बच्चा जैसे ही वो शिक्षा लेना प्रारंभ करेगा तब से उसकी वो क्लैरिटी बनती रहेगी कि शरीर की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हुनर को विकसित करते हुए आवश्यकता से अधिक सुविधा का उत्पादन भी करना है उसे, लेकिन साथ ही साथ मई की आवश्यकता को पूरी करने के लिए स्वयं में सही समझ और सही भाव को भी स्थापित करना है, और वो दोनों के लिए प्रयास करेगा, और इस शिक्षा का जो फलस्वरूप के रूप में हर एक बच्चा अपने शरीर के स्वास्थ्य को इंश्योर करने के लिए जो योग्यता चाहिए उसको विकसित कर पाएगा, परिवार में समृद्धि पूर्वक जीने के लिए जो योग्यता चाहिए, जो हुनर चाहिए उसको भी विकसित कर पाएगा, हर व्यक्ति के साथ में संबंध पूर्वक जीने की योग्यता को विकसित कर पाएगा, प्रकृति के साथ में संबंध को देखते हुए उसका निर्वाह कर पाएगा। अभी की हमारी शिक्षा से ये हो रहा है क्या? तो कम से कम दिखता है कि लार्जली नहीं हो रहा है, क्योंकि आज की हमारी जो शिक्षा है उस शिक्षा से हम प्रयास कर रहे हैं कि रोजगार निर्माण हो जाए, तो हम उसको एम्प्लॉय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम उसको जॉब के लिए तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, वो आवश्यक है, लेकिन इसके साथ जीने के लिए तैयार करना भी आवश्यक है। मुझे तो लगता है कि शिक्षा की भूमिका आदमी को आदमी के तरह निश्चित मानवीय आचरण से जीने की योग्यता को विकसित करना है, जीने की तैयारी को योग्यता को विकसित करना है। ये जो जॉब है ना, ये उसका एक पार्ट है, वो तो आ ही जाएगा, तो सही समझ के साथ संबंध और सुविधा, ये तीनों को भी उस वरीयता के साथ अगर हम शिक्षा से भी दे पाए, परिवारों में अगर हम बच्चों को भी दे पाए, समाज में भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे पाए, तो अपने में सही समझ को विकसित करते हुए हम शरीर की भी आवश्यकता और सेल्फ की भी आवश्यकता, ये दोनों की भी आवश्यकता को देखकर फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है,
तो मैं अभी अनुमति लेता हूं और परिवार की व्यवस्था को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। ठीक है सर। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी थैंक यू। समय तो ऐसे बहुत हो चुका है, प्लान किया गया था कि 10 बजे के आसपास परिवार की व्यवस्था को शुरू करना, लेकिन एक अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा है ना। मुद्दा ये नहीं कि हम कंटेंट को कितना बढ़ा रहे हैं, मुद्दा यही कि हम एक दूसरे के साथ में एक पारिवारिक स्तर पर किस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, और जितनी हम अधिक चर्चा करेंगे उतना ही ना बातों को भी हम अपने में ठीक से वेरीफाई कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो मानना नहीं ये तो